तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज आप लोगों के लिए लेके आया बेटा चैप्टर नंबर सेकंड, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, चैप्टर सेकंड है बेटा बहुपद। चैप्टर सेकंड आपका बहुपद है और इसी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर्स को पहले नहीं देखा, इसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्रश्नावली 2.1 को भी हम सॉल्व करेंगे और इसमें करीब 5-6 क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर्स के टॉपिक्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और आपने ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा है बेटा। ठीक है, चैप्टर है बहुपद। चैप्टर है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये समझ लो। बहुपद है ना, बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक ऐसे समीकरण जिसके अंदर दो या दो से अधिक पद हो, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अच्छा, बहुपद भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा। ठीक, एक चर वाले बहुपद भी होते हैं, दो चर वाले बहुपद भी होते हैं, और तीन चर वाले बहुपद भी होते हैं। मैक्स टू मैक्स हम तीन चर वाले बहुपद को ही डील करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर सेकंड, इसमें जो बहुपद दे रखे बेटा, इसमें एक चर वाले बहुपद है। क्या है? एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे। तो देखो, एक चर वाला जो बहुपद है उसमें क्या होता है, केवल एक चर राशि होती है। वो आपका एक्स हो सकता है, आपका वाई हो सकता है, या आपका जेड हो सकता है। तो अगर एक्स वाई जेड वाले जो बहुपद है, अगर उसको हम लिखते हैं, तो बहुपद का एक चर वाले बहुपद हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो, ये हमने लिख दिया 2x+2, ये हमने लिख दिया x² + 5 + 2x, ये लिख सकते हैं। या हमने हमने लिख दिया मानो 3x³ + 5x² - 10, ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके में इसमें देखोगे तो केवल एक्स है बेटा। क्या है? एक्स है। अब यहाँ पे जो मैंने बहुपद लिखे हैं बेटा, इस बहुपद में अगर देखोगे तो जो चर राशि है एक्स है, उसकी अलग अलग घात है। देखो, इसमें एक्स की घात एक है, इसमें एक्स की घात दो भी है, एक भी है, इसमें एक्स की घात तीन भी है और दो भी। तो इसमें एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात हम यहाँ पे परिभाषित करते हैं, बहुपद की घात। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बहुपद की घात क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 9th में शायद आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बहुपद की घात। ठीक ना, तो किसी बहुपद की जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होती है, उस घात को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात हम बोलते हैं। ठीक ना, बहुपद बहुपद में चर राशि कि अधिकतम घात को, ठीक ना, बहुपद की घात कहलाती, क्या कहेंगे उसको, बहुपद की घात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेटा देखो, यहां पे इस उदाहरण में इसकी घात कितनी है भाई, अधिकतम घात एक है। इस वाले समीकरण में मतलब बहुपद में इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा, दो है, तो इसकी घात है दो। और यहाँ पे अगर हम देखोगे तो इसकी अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात वो कितना है बेटा, तीन। ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात एक, तो ये एक घात वाले बहुपद हो जाएंगे। इसकी अधिकतम घात दो है, तो इसलिए दो घातीय बहुपद हो जाएंगे। और इसकी घात अधिकतम कितनी है, तीन है, तो इसलिए इसको हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब घात के आधार पर जो बहुपद है, इस बहुपद को हमने डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। तो घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण शॉर्ट में समझा दूंगा मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, सारे एक चर वाले बहुपद ही है बेटा, सभी एक चर वाले बहुपद। देखो, सबसे पहले ठीक ना, एक घातीय बहुपद, या इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं,
रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है बेटा, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है भाई, एक होती है, जिसकी अधिकतम घात अधिक अधिकतम घात कितनी होती है बेटा, एक होती है। ठीक है, तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे हमने लिखा 2x+5 या x-2 या 3x+10, तो इस तरीके के जो बहुपद है इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, एक चर वाले रैखिक बहुपद हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक बहुपद। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट सेकेंड आता है द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो द्विघात बहुपद, द्विघात द्वि का मतलब दो, मतलब वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो होती है, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो भाई, अधिकतम घात दो। तो ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है बेटा, दो होती है, तो ऐसे बहुपदों को हम क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो हमने लिखा 2x² + 5x + 3 या हमने लिखा 5x² - 10x + 20, हमने लिखा x² - 2, x² - 2। ठीक है, तो ये जो बहुपद है इसमें देखोगे तो x की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो इसीलिए हम इस तरीके के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, यस क्लियर है। अच्छा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण इसका होता है बेटा, मानक समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चैप्टर नंबर 4th के अंदर भी आपका द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4th के अंदर भी है। तो यहाँ पे मानक समीकरण इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ax² + bx + c, और यहाँ पे a जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बाकी b और c जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा त्रिघातीय बहुपद, इसकी बात करते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखो त्रिघातीय बहुपद ये क्या होता है भाई, त्रिघातीय बहुपद में इसके अधिकतम घात, अधिकतम घात जो है बेटा वो कितनी होती है, तीन, मतलब वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, तो ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। अच्छा उदाहरण देखेंगे बेटा यहां पे, तो x³ + 2x² + 5 या x³ + 3x - 2x² + 3। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों बहुपद की अधिकतम घात अगर आप देखोगे तो कितनी है बेटा, तीन है। तो इस तरीके के जो बहुपद होते हैं इसको हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, और इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, तीन होती है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है बेटा वो होता है ax³ + bx² + cx और प्लस का d, क्या ax³ + bx² + cx + d, इसको हम बोलते हैं मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, त्रिघातीय समीकरण, तो सॉरी त्रिघातीय बहुपद। ये समझ में आ गया आपको, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के मान निकाल, कोई भी हमारे पास बहुपद है ठीक है, उस बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, देखो बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एक पीएक्स बहुपद है, बहुपद को हम इसे पीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, पीएक्स इज इक्वल टू, मान लो क्या देखे, x² + 5x + का, ये हमारे पास एक बहुपद दे रखा है। देखो इसका मान निकाले, मान लो x=1 पे मान निकालेंगे, x=2 पे मान निकाले, मान लो x=2 पे हमने मान निकालना है इसका। ठीक
ठीक है, तो x इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पी टू हो जाएगा आपका बेटा। तो पी टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस का, फाइव इंटू टू प्लस का टू। देखो दो का स्क्वायर चार, चार दो छ और पांच दो ना दस, दस और छ कितना जाएगा 16। तो ये जो 16 है ये x इक्वल टू टू पर पी एक्स का मान, तो आप इसको लिख सकते हैं। अतः जो पी टू है या पी सिक्सटीन, सॉरी यहाँ पे जो 16 वैल्यू है, या इसको पी टू भी बोल सकते हो या 16 भी बोल सकते हो। तो ये जो 16 है ये x इक्वल टू पर पी एक्स का क्या है मान। तो जब भी किसी भी बहुपद का मान निकालना बेटा किसी एक्स के वैल्यू पे, तो बहुपद में आप एक्स की जगह उसी वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है शून्यांक, बहुपद का शून्यांक। ओ बहुपद का शून्यांक देखो कैसे, क्या इसमें देखेंगे शून्यांक का मतलब क्या होता है। शून्यांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो, क्या बोलते हैं जीरो से, या मूल भी बोलते हैं कभी कभी, शून्यांक या मूल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स का वह मान, एक्स का वह मान जिस पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त, शून्य प्राप्त हो शून्यांकन। इसको समझ लेते, मतलब एक्स का वह मान जिसको पी एक्स में सब्स्टिट्यूट करने पर, पी एक्स जो बहुपद है उस बहुपद में रखने पर पी एक्स का जो मान है बेटा वो क्या हो जाए, वो शून्य हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक पी एक्स है बेटा, हमारे मतलब पी एक्स का मतलब बहुपद है, पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का फोर। अच्छा अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू रखते हैं, तो आपको पता है पी टू का वैल्यू कितना मिलेगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर, फोर माइनस फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी टू कितना हो गया भाई शून्य हो गया। मतलब जो बहुपद का मान है वो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, शून्य प्राप्त हो रहा है। ओ हो भाई, अच्छा तो इसका मतलब x इक्वल टू टू पर पी एक्स का मान क्या हो गया शून्य हो गया। तो x इक्वल टू टू ये जो है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम शून्यांक, क्या बोलेंगे शून्यांक, ठीक है क्लियर है। तो बस इतना आप समझ लो, बहुपद में एक्स का वह मान जिसको प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो एक्स के उस मान को हम क्या बोलते हैं शून्यांक बोलते हैं। यहां पे एक्स इक्वल टू माइनस टू रखोगे तो भी पी एक्स का मान क्या मिलेगा बेटा शून्य मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू भी पी एक्स का क्या है एक शून्यांक, ठीक है। अब शून्यांकों की संख्या की अगर बात करते हैं, शून्यांकों की संख्या मतलब कितने शून्यांक होंगे बहुपद के, जो हमारे पास एक बहुपद दे रखा होगा उस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, कितने उसके जीरोस होंगे, तो उसकी बात उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अगर रैखिक बहुपद है, क्या है बेटा रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए ये शून्य होता है, सॉरी शून्य नहीं एक होगा, क्या बेटा एक। अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होंगी बेटा एक होगी, रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या एक होती है। अच्छा देखो सेकंड केस में, अगर द्विघाती बहुपद है तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा दो होगी। अगर रैखिक बहुपद सॉरी द्विघाती बहुपद है जिसमें एक्स की घात कितनी है दो है, तो उस केस में शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा दो हो जाएगी, ठीक है। अगर त्रिघाती बहुपद है, थर्ड केस में त्रिघात बहुपद अगर है बेटा हमारा, तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी तीन होंगी। त्रिघात में घात कितनी है बेटा तीन है, द्विघात में घात कितनी है दो है, रैखिक में घात कितनी है एक, तो इसका मतलब शून्यांकों की संख्या बराबर बहुपद के घात। यहां पे आप जनरल वे में आप लिख सकते हो यहां पे, अतः शून्यांकों या ऐसे लिख दो बहुपद के शून्यांकों की संख्या किसी बहुपद के शून्यांकों की
संख्या जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बहुपद के घात के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? बहुपद के घात के बराबर। मतलब अगर बहुपद में घात चार है तो शून्यांकों की संख्या चार होंगी, अगर बहुपद की घात पांच है तो शून्यांकों की संख्या पांच होगी, अगर बहुपद की घात 100 है तो शून्यांकों की संख्या 100 होगी। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या किसके बराबर होगी? हमेशा बहुपद के घातों के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम टॉपिक देखते हैं चैप्टर्स में बेटा, एनसीईआरटी में अगर हम टॉपिक देखते हैं, घात के बाद हमारा आता है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शून्यांकों और बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय मतलब ग्राफ, ज्यामिति का मतलब क्या होता है बड़े? ग्राफ। हम यहाँ पे ग्राफ की बात कर, ठीक हो गया। मतलब अगर हम किसी भी बहुपद के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में शून्यांक क्या? देखो, आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। और एक्स अक्ष पे अगर कोई भी एक बिंदु लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये एक्स कॉमा जीरो होता है, कहते हैं एक्स कॉमा जीरो। और वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु लेता हो तो ये जीरो कॉमा वाई होता है। आपको पता है कि एक्स अक्ष पर, जो एक्स अक्ष है बेटा, इस एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू कितना होता है? शून्य होता है। तो अब ग्राफ से आपको ये पता है कि एक्स पर वाई का मान शून्य होगा या शून्य होता है, शून्य होता है। यदि यदि आप क्या करते हैं, जो वाई है उसको अगर आप पी एक्स से रिप्लेस करते, वाई अगर वाई को अगर किससे रिप्लेस कर देते हैं, पी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में आप ये लिख सकते हो कि एक्स अक्ष पर पी एक्स का मान शून्य होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक्स अक्ष अगर यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, या यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, या इधर कोई वैल्यू लेते हैं, तो एक्स के इन मानों पे पी एक्स का जो वैल्यू होगा, सॉरी पी एक्स का जो मान होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, कोई भी अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार पी एक्स का मान कितना होगा बेटा? शून्य। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अतः अतः ग्राफ में कोई भी वक्र एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार पी एक्स का मान शून्य। इसका मतलब कोई भी अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते, कोई भी वक्र हम ड्रॉ करते हैं, और वो वक्र एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वहां पे पी एक्स का मान कितना होगा? शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, और उसमें हमारे पास एक वक्र है, ये एक्स है बेटा, ये हमारा पी एक्स है, इसको हमने पी एक्स रिप्रेजेंट किया है। मान लो एक वक्र कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से एक वक्र है, ये पी एक्स का वक्र है, ये क्या है बेटा? ये पी एक्स का वक्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर पी एक्स कितना होगा बेटा? जीरो होगा। इस बिंदु पर पी एक्स कितना होगा? जीरो होगा। इस बिंदु पर पी एक्स कितना होगा? जीरो होगा। इस बिंदु पर पी एक्स कितना होगा भाई? जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ इस पी एक्स के कितने शून्यांक है, इस पी एक्स के कितने शून्यांक है, तो आप बता सकते हो भाई सिंपल कि इस बिंदु पर पी
पी एक्स का वैल्यू जीरो है तो यहां पे एक्स का जो भी मान होगा ये एक शून्यांक हो जाएगा, यहां पे एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो एक शून्यांक होगा, यहां पे एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो एक शून्यांक होगा, यहां पे एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो एक शून्यांक होगा। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उस ग्राफ के क्या होंगे? शून्यांक। तो इसी पे बेस्ड हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1 है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 2.1 में। देखो एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फर्स्ट, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, वो वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा? शून्यांक इसके होंगे जीरो। कितने होंगे? जीरो शून्यांक। तो इस ग्राफ में यहाँ पे वाई अक्ष पे प्रतिच्छेद करें, यहाँ पे नहीं देखेंगे, एक्स अक्ष पे देखेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पे शून्यांक कितना हो जाएगा इसका बताओ कमेंट में जल्दी से? वन हो जाएगा। कितना जाएगा शून्यांक? वन हो जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट ग्राफ, ये हमारा फोर्थ नंबर ग्राफ है। देखो इसमें जो ग्राफ दे रखा है बेटा, ये एक्स अक्ष को दो बार प्रतिशत करें, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो इसका शून्यांक हो जाएगा बेटा दो। क्या जाएगा? शून्यांक हो जाएगा दो। ओके भाई, अब ये जो ग्राफ है देखो यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार, एक दो तीन चार, कितनी बार प्रतिशत कर रहा है ये? एक्स अक्ष को चार बार प्रतिशत कर रहा है। वाई अक्ष का प्रतिशत नहीं देखेंगे, एक्स अक्ष का देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कर। तो यहाँ पे इसके शून्यांक कितने होंगे भाई? शून्यांक इसके चार हो जाएंगे। कितने शून्यांक होंगे भाई? चार होंगे। देखो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो कितनी बार प्रतिशत हो रहा है, एक दो तीन। तो जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को तीन बार प्रतिशत कर रहा है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? इसका शून्यांक हो जाएगा तीन। इसमें देखो एक दो तीन, कितने बार प्रतिच्छेद हुआ है? तीन बार प्रतिच्छेद हुआ है, तो इसके भी शून्यांक कितने हो जाएंगे? इसके भी शून्यांक कितने हो जाएंगे बेटा? तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट अगर ग्राफ से शून्यांकों की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, बस आपको ये चेक करना है कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, वो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यांकों की संख्या। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं और इस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, आप क्लास 10 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।